हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा स्ट्रॉम 5G फ़ोन है, तो लावा स्ट्रॉम 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस है, तो टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को आप कैसे ऑफ कर सकते हैं अपने लावा स्ट्रॉम 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को आप ऑफ कैसे कर सकते हैं लावा स्ट्रॉम 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कैसे कर सकते हैं, और कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को आप ऑफ कैसे कर सकते हैं लावा फ़ोन में, तो सिंपली सेटिंग्स शो हो रही है, देख सकते हैं आप, शो हो रही है। तो टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको साउंड एंड वाइब्रेशंस पे जाना है, साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो एडवांस सेटिंग्स को भी ओपन कर लेंगे। तो आप टच वाइब्रेशंस को ऑफ करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से टच फीडबैक यानी वाइब्रेशन आपका ऑफ हो जाएगा, एंड आप यहाँ से भी ऑल तरीके से पूरी तरीके से टच वाइब्रेशंस को ऑफ कर पाएंगे। इस तरीके से टच साउंड को ऑफ करना चाहें तो कर सकते हैं, इस पर टैप करते ही टच साउंड भी ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कर सकते हैं लावा स्ट्रॉम 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो सही तो